तो देखो यार, जिस बंदे के पास जो चीज नहीं होता ना, वो उसके लिए तरसता है। लाइक सिंगल हो तो रिलेशनशिप वालों को देख के एकदम जलस फील करते हो कि मेरे पास क्यों नहीं है, है ना। रिलेशनशिप में हो तो एक और क्यों नहीं है। हाँ भाई, अब तो दो देख नहीं रहे हो, अरमान मलिक, मैं उसको फिर देख के जलस फील कर रहा हूँ यार, इसकी दो दो है, अपनी एक नहीं संभल रही। लड़की संभाल पाना बहुत मुश्किल काम है भाई, लड़की तुम नहीं संभाल पाओगे रिलेशनशिप में ना। अगर तुम सरवाइव करना चाहते हो तो एक ही टिप्स है, चाहे लड़की कितनी भी गलत हो, वो सही है, एक्सेप्ट कर लो। रिलेशनशिप का ये मेन फंडा, मेन रूल है, जहां आपने ये साबित करने की कोशिश की नहीं तू गलत है, रिलेशनशिप ही नहीं रहेगा। और देखो, प्यार सबको चाहिए, हर इंसान चाहे कितना भी कह ले कि पैसा कमाओ मौज लो, पर प्यार तो चाहिए ना भाई, है ना। एक सच्चा प्यार मिल जाए उसके बाद जिंदगी में कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पूरी जिंदगी यार ऐसे थोड़ी ना अकेले जी सकते। तो मुझे एक बार ऐसी एक लड़की से प्यार हो गया था, और होता है ना यार, कभी भी देखो, एक मीम चला है ना अक्षय कुमार का, कि जो मुझे पसंद है उसको मैं नहीं पसंद, जिसको मैं पसंद हूं वो किसको पसंद। एक दो लड़की थी जो मुझे पसंद करती थी, पर मेरा दिल आया जिसे मैं पसंद करता था, और वो अपने हिसाब से समझ गई थी कि ये बंदा ना, इसको तो बस समझ रहा ना पपेट की तरह घुमा के रखूंगा। और वो ना थोड़ी अजीब सी थी, मतलब थोड़ी नहीं बहुत ही अजीब सी थी यार, जैसे कोई मूवी देख ली ना तो सेम कैरेक्टर बिल्ड कर लेती खुद को। कबीर सिंह मूवी देख के आई और उसमें प्रीति की तरह बिहेव करने लगी पब्लिक प्लेस में भाई, पूरे भीड़ में मुझे कह रही किस मी राइट नाउ। मैंने कहा अच्छा भाई देखो, हम तो बस मौका चाहिए होता है। मैंने कहा कर लिया, कह नहीं करती फिर बताती। और जब कोई नहीं होता था वहां छूने भी नहीं देती, अलग ही सिस्टम था भाई उसका, कार है पर उसको जाना मेट्रो से है, कह रहे मेट्रो से चलो। मैंने कहा अच्छा, कह रहे चलो फिर। बीच मेट्रो में कहीं भी वो बोल देती थी आई वॉन्ट कोल्ड कॉफी राइट नाउ। मैं तेरा बाप बेच रहा है। नहीं, मन में सोचता था, इतनी हिम्मत नहीं थी भाई बोलने की, समझ रहे हो ना, फूल की तरह, मतलब समझ रहे हो, उसे मैंने जमीन पे नहीं रखा, सर पे रखा, सर पे बिठा के, सर पे भी नहीं रखा सच बताऊं तो यार, कोई चील कौवा ना ले जाए। दिल में वो वाला है ना राइमिंग, वो सेम, इतना प्यार करने लगा फुल, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, वो बोल नहीं रही, कई बार तो अकेले ही चैट कर लेता था, हाँ कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, ओ बिजी हो गया, ऑफकोर्स मैं ही फुद्दू। और वो एक बार में सिर्फ रिप्लाई आता था उसका कि थक गई थी, गुड नाइट। तो मैं हमेशा अपना चेकलिस्ट देख लेता था कि अपनी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी सुबह नाराज हो जाती थी कि रिप्लाई का वेट नहीं कर सकते थे, सुबह 5 बजे रिप्लाई कर रही है, रात में 1 बजे मैंने मैसेज छोड़ा है। मैंने कहा सुबह 5 बजे तक जागते, यही तो प्यार नहीं करते तुम यार, तुम बातें करते हो चांद तारे तोड़ के ले आओगे, डेली निकल रहे हैं वो। फिर अपने आप को आप सोचते हो कि यार मतलब ठीक है, प्यार में चूतियापंती चलती है। और उसको एक्सपेक्टेशन थी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए, वो पूरे उम्मीद में थी, वो कभी भी रैंडम कुछ भी बोल देती थी कि मेरे लिए करके दिखाओ। हाँ एक दिन बोला ट्रैफिक लाइट में मुजरा करो, मैंने मुजरा किया, कुछ कमाई हो गई। मैंने कहा ये मुझे कामयाब बनाना चाहती है। मैंने कहा ये तो धंधा बढ़िया यार। हाँ मैंने बहनचो 3-4 दिन काम किया, बहन आईफोन ले लिया। मेरे सारे दोस्त बहनचो पीछे पड़ गए कि तू पैसा ला कहाँ से रहा है। हाँ एक दिन गए, मैंने देखा बहनचो सबको पता लग गया था कि मैं मुजरा कर रहा हूँ, फिर वो भी कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा आज जब कर ही रहे तो मिलजुल के एक साथ ही धमाल मचाते हैं। पर ये बात उसको बुरी लगी, कह रही कि मैंने सिर्फ ऐसे ही बोला था, ये नहीं कि अपना शौक ही पाल लोगे। नाराज हो गई, कह रही कौन एक्सेप्ट करेगा कि उसका बॉयफ्रेंड मुजरा करता है। मैंने कहा तुमने ही बोला था ना यार, तो गुस्सा हो गई, कह रही नहीं मुझे ब्रेकअप करना है। मैं इतनी सी बात पे ब्रेकअप कर रही हूँ यार, टैलेंट भी तो देखो यार बॉयफ्रेंड के, हर कोई नहीं कर सकता मुजरा। तुम किस्मत वाली हो जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के अंदर एक मुजरे वाली भी है। तो गुस्सा हो गई, और ज्यादा गुस्सा हो गई कि इसे तुम प्राउड फील कर रहे हो, हाँ ये कोई टैलेंट होता है। और सबसे ज्यादा वो ना जेलस फील करती थी जब मैं किसी लड़की को देख लेता था, और मुझे अच्छा लगता था क्योंकि एहसास होता था कि यार चलो इसको छेड़ हो रही, मतलब प्यार तो करती है। मैं रैंडम किसी लड़की को देख लेता, वो मुझे घूर के देख रही होती थी, और मैं बड़े प्यार से कहते थे तुमसे कम खूबसूरत है। वो खुश हो जाती थी कि है ना, फिर अलाउ था। एक प्रॉब्लम है यार, खूबसूरत लड़की को ना बहुत ईजिली आप मतलब खुश कर सकते हो, खूबसूरत कोई नहीं है हर लड़की को यार, उसकी तारीफ में बोल दो बस 4 लाइन, कितनी प्यारी मुस्कान है तुम्हारी, बस कुछ नहीं करना। और ये रिलेशनशिप के टिप्स हैं भाई अगर तुम रखना चाहते हो। लेकिन क्या होता है ना कि यार मर्द है, हर वक्त खुश नहीं रख सकते,
एक वक्त पे हम औकात भी तो भूलते हैं जब दारू पी लेते हैं। एक दिन मैंने ऐसे रैंडम में पार्टी में मैंने ड्रिंक वगैरह कर ली और इसकी कॉल आई और कहती है कि कहाँ हो, बिना परमिशन के तुम पार्टी कैसे करने गए, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं। समझ क्या रखा है तूने? तेरे जैसी की ना लाइन लगी हुई है, लाइन फोन रख। और हमने प्रॉमिस किया था कि एक दूसरे की गुस्से की रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन मैंने कभी गुस्सा नहीं किया ना। पहली बार गुस्सा किया वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाया, उसने ब्रेकअप कर लिया। और जब मैं होश में आया मैंने बहुत सारे मैसेज करने की कोशिश की पर ब्लॉक हो गया था यार हर जगह से, दुखी हो गया, मैंने डीली पीने लगा। कहते हैं ना कि भाई बंदी ठुकराती है तो बोतल ही अपनाती है। बोतल भाई वफादार है इस दुनिया में ना, सबसे वफादार चीज कोई है तो दारू, वो कभी साथ नहीं छोड़ती, एकदम सारे दुख मिटा देती है। तो मैंने कहा यार कब तक ऐसे चलेगा, ऐसे तो जी नहीं पाऊंगा। और क्या होता है ना, जब आपकी गलती होती है तो आप रिलेशनशिप में सोचते हो कि यार तुम्हारे वजह से खराब हो गया, कहीं ना कहीं मैंने दारू पी के उस पर गुस्सा भी तो किया था। तो मैं चला गया, मैंने कहा माफ कर दो मुझे ये वो, और फिर से उसे लगा कि हाँ ठीक है, मुझसे बेटर मिला नहीं था तुम कोई। तो उसने कहा ठीक है अगली बार से ऐसी गलती मत करना। मैंने कहा पक्का प्रॉमिस, कितने सारे वादे ले लिए। मैंने कहा ठीक है गुलाम ही सही, पर प्लीज दूर मत करो, क्योंकि आप दूर जाते हो तो थोड़ा प्यार का एहसास भी होता है ना। फिर हमारा रिलेशन ठीक ठाक चल रहा था और एकदम से समझ रहे हो लड़की यार उसको बेटर मिल गया। तो एक दिन अचानक से उसने बोला कि राहुल हमारे बीच में ना कुछ भी सही नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? कहती है अपना हाथ दो। मैंने हाथ दिखाया, कहती है देखो हमारा कोई मैच नहीं। मैंने कहा ओ शिवाजी द बॉस मूवी देख क्या ये? मैंने कहा अगर इससे देख रही है तो सच में कोई मैच नहीं। और मैं डिसाइड कर चुका था अपने आप ही, क्योंकि एक ही रिलेशनशिप में मुझे फंस के नहीं रहना था, क्योंकि प्यार का मतलब यार गिव एंड टेक है, ये नहीं कि मैं ही उसके तलवे चाटे जा रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि ईगो जरूरी नहीं होती भाई, प्यार में आपको ईगो दिखानी नहीं पड़ती, जिसके साथ आप सोचते हो कि हाँ मोहब्बत करते हो वहाँ पे ईगो की कोई जगह नहीं होती है। लेकिन अगला बंदा दिखा रहा है तो भाई क्या कर सकते हो, वो रिलेशनशिप कितने दिन चला सकते हो, और ऐसे भी पहले भी टूट चुका है तो वो कमजोर हो चुका था। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं, तुम जाना चाहती हो जाओ। मैं चला आया, फिर मेरा ना कोरोना वाला वीडियो वायरल हो गया। मैसेज करती है कि प्राउड ऑफ यू, मैंने तुम्हें छोड़ा इसलिए था बेबी कि ताकि आप कामयाब हो जाओ। मैंने कहा वो बात तो ठीक है और थैंक यू तूने मुझे छोड़ दिया कि कामयाब हो गया। फिर उसके बहुत सारे मैसेजेस थे और जैसे वो मुझे रिप्लाई करती थी मैंने वैसे रिप्लाई किया। मैंने कहा वक्त हर किसी का आता है, अब ये वक्त आ गया है भाई, फायदा उठाना पड़ेगा। कहती कि मैं इतने मैसेजेस करती हूँ और आप एक बार कभी भी आके बस छोटा सा रिप्लाई दे देते हो, दिस इज नॉट फेयर राहुल, आप बदल गए हो। मैंने कहा एक्चुअली ना मैं कहीं बाहर आया हूँ। तो कहती कहाँ? मैंने कहा तेरी औकात से बाहर। और मैं ऐसा हूं नहीं यार किसी की बेइज्जती करूं, पर वो डिजर्व करती थी, उसने आन किया था यार। जो लड़की मेरे बुरे वक्त पे साथ नहीं दे पाई उससे रिश्ता ही क्या रखना, और यार क्या पता मैं बर्बाद भी हो सकता था ना उसके प्यार में जिस तरीके से उसने मुझे छोड़ा। ये गलत है ना भाई, मैं इतना प्यार कर रहा हूँ किसी पर ट्रस्ट कर रहा हूँ, अचानक से वो छोड़ के चली जाए सिर्फ इस रीजन से, कोई रीजन तो वैलिड होना चाहिए ना, दिल दुखता है यार। उस दिन मुझे मजा आया यार, जीवन में मुझे एहसास हुआ कि यार मेहनत का फल सच में मीठा होता है। अगर मैं भी बाकियों की तरह जिंदगी बर्बाद कर देता, जो होते हैं ना दिल टूटने के बाद दारू पी रहे हैं खुद को बर्बाद कर दे रहे, उससे लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। लड़की को फर्क पड़ता है जब आप कामयाब होते हो, जब आप ऊंचाई पे पहुंच जाते हो, तब उन्हें समझ में आता है कि उसने क्या खोया है, वरना उन्हें कोई पछतावा नहीं होता। इसलिए भाई अगर दिल टूटे ना तो दिल में आग लगा दो, कामयाबी पालो, ऐसे चूतियों की तरह नहीं रहना।